Will you doubt your dreams or decide to succeed? At Shulini University, you join the next generation of top professionals and problem solvers through world-class innovation and research. Shulini University. Think learning, think success. के अधिकार क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने का प्रयास पुलिस द्वारा पिछले चार महीनों से किया जा रहा है। इस संबंध में सबसे पहले फरवरी 2019 में बीवीएनआईए के साथ एक बैठक की गई, जिसमें सभी उद्योगों को बेहतर निगरानी के लिए सड़क पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने अपने परिसर के बाहर दो दो सीसीटीवी स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया। इस संबंध में कुल 835 सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसमें पुलिस द्वारा लगाए गए 129 सीसीटीवी और पिछले चार महीने में व्यक्तिगत उद्योगों द्वारा स्थापित 706 सीसीटीवी शामिल है। एसपी ऑफिस में सीसीटीवी का एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में निर्माणाधीन है, जो इन सीसीटीवी के कई ऑनलाइन और देखने के स्थानों को एसपी ऑफिस के साथ साथ पुलिस स्टेशनों से भी जोड़ेगा। एमसी बद्दी और एमसी नालागढ़ द्वारा 15 लाख रुपए की निधि प्रदान की गई है तथा डीसी कार्यालय सोलन द्वारा भी 2 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। पहले के और मुताबिक और अब इसमें क्राइम के अंदर जो है डेफिनेटली सीसीटीवी की बहुत अच्छी मदद मिलती है, उससे हमें क्लूज मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं, बट इसके अंदर अभी कितना फर्क पड़ा है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, अभी इसके बारे में कहना बहुत जल्दबाजी है। सर बेसिकली सर जो सीसीटीवी हैं वो कौन कौन से एरिया को कवर कर रहे हैं सर? अभी पूरे बीबीएन को कवर करेंगे, अलग अलग जगह इंपॉर्टेंट लोकेशंस, जंक्शंस, एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, उन पर कैमरे लगाए जा रहे हैं। और सर सर्वेलेंस के लिए क्या टीम तैयार की गई है और कितने लोग उसको सर्वेलेंस कर रहे हैं? ये हमारी पूरी पुलिस की टीम है जो उसको अपने हिसाब से हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हैं इसके लिए, उसके हिसाब से इनको मॉनिटर करेगी। सर अभी बीबीएन में और भी कैमरे लगने की है? हाँ, हमारी कोशिश जो लगातार जारी है, फ्यूचर में भी आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगाने की कोशिश की जाएगी। बद्दी से अलवर हुसैन की रिपोर्ट।